अगर आप किसी असफलता से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए ये वीडियो। अगर हम कभी असफल हो जाते हैं तो ये समझते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, हम दुखी हो जाते हैं, पता नहीं जिंदगी में कितना गलत काम हो गया। मैं आपको अपना उदाहरण बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, किशोरावस्था में थी, तब मेरी सिस्टर मुझसे जो छोटी थी वो अक्सर लेखकों से पत्राचार किया करती थी, मतलब लेटर लिखा करती थी अलग अलग बड़े बड़े लेखकों को। हम लोग मजाक बनाया करते थे बहन भाई मिलकर, ये तो बहन जी लेखिका बनेंगी, ये तो लेखिका बनेंगी। हम लोग अपने लिए ऊंचे ऊंचे सपने पाला करते थे अलग अलग तरह के। मैं सोचती थी शायद मैं राजनीति में जाऊंगी और कोई बड़ी नेता बनूंगी। लेकिन हुआ क्या, कॉलेज में आते आते अचानक मन में आया कि मैं लिखूं तो शायद मेरा छप जाए। मैंने एक लेख लिखा, तुरंत अखबार में छप गया और वहाँ से पैसे भी आए। बड़ा अच्छा लगा, वाह, एक लिखते ही लेख तुरंत छप गया और पैसे भी आ गए। अब तो लिखने का सिलसिला चल पड़ा। धीरे धीरे अनेक पत्रिकाओं में मैंने बहुत सारे लेख लिखे, अनेकों लेख लिखते गए, छपते गए, मुझे पारिश्रमिक मिलते गए। बड़ी खुशी हुई और आप देखिए मैं लेखिका बन गई और 100 पुस्तकें अब तक लिख चुकी हूँ, राष्ट्रपति से भी पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हूँ। तो लेखन मेरी किस्मत में था और मैं कहीं और सोच रही थी, लेखिका मैं बन गई, मेरी बहन पत्रकार बन गई। तो कभी कभी कुछ और सोचते हैं और होता कुछ और है। तो तैयारी करते रहिए, एकाग्रचित्र होकर कीजिए, मेहनत कीजिए, हो सकता है आपकी किस्मत में से बेहतर लिखा हो। मुझे जब पुरस्कार मिले सारी दुनिया ने देखा कि मुझे पुरस्कार मिले, सारे रिश्तेदारों ने देखा, मुझे भी खुशी हुई। तो आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सोशल मोटिवेशन।